Namaskar. Welcome to Yog Path. In this video, we are going to explain how yog can help relieve cervical spondylosis. It is a condition in which the spinal disc of neck gets dehydrated and shrinks over time, causing neck movement very difficult and pain in them. This condition could be managed and prevented by a very simple means: yoga. Regular practice and proper way of doing some yogic sukshmayam and yogasans can manage the cervical spondylosis, as yoga can reduce the inflammation, the stiffness caused in neck, and it can also make neck more flexible, which inhibits make your neck more flexible, which makes your daily routine life activities very easy, which were hindered due to the cervical spondylosis pain. So let us see some yogic sukshma vyayam and yogasan. We will start with yogic sukshma vyayam. Shuru karte hain sukshma vyayam se. सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसे स्ट्रेंथनिंग द नेक भी कहा जाता है। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को साइड में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अपने शरीर को स्थिर रखते हुए केवल अपनी गर्दन को बाएं और दाएं मोड़ेंगे। यह क्रिया आपको 5 से 10 बार दोहरानी है, बहुत ही धीरे से, थोड़ी मध्यम स्पीड में। आप यह तेज गति से हरगिज नहीं करेंगे। ध्यान रखें, आपका पूरा शरीर स्थिर रहना चाहिए, आपकी गर्दन के साथ वह नहीं मुड़ना चाहिए। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए एक बार फिर से इसे दोहराएंगे। इस प्रक्रिया में केवल आपकी गर्दन बाएं और दाएं मुड़ेगी, आपके कंधे, बाजू, शरीर का बाकी हिस्सा स्थिर रहेगा। इस व्यायाम से आपके गले की नसें बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। अब इसके बाद अपने सर को बाएं से दाएं की ओर सेमी सर्कल, अर्ध चक्र बनाते हुए पीछे की ओर से घुमाएंगे और फील करें जो आपकी गर्दन की नसें आगे के भाग की स्ट्रेच हो रही हैं, खिंच रही हैं, और पीछे के भाग की सिकुड़ रही हैं। सर्वाइकल के केस में आप आगे की ओर झुकने वाला, गर्दन आगे की ओर झुकाने वाला कोई भी व्यायाम या आसन नहीं करेंगे। ये व्यायाम इतने आरामदायक हैं कि आप इन्हें हल्के से दर्द की अवस्था में भी, यदि आपको सर्वाइकल का दर्द हो रहा है उस अवस्था में भी आप इन्हें कर सकते हैं। अब अगला व्यायाम करते हैं, फिर से उसी को पहले दोहराएंगे। जब आप अपनी गर्दन को पीछे की ओर से अर्ध चक्र सेमी सर्कल बनाते हुए घुमा रहे हों, कोशिश करें धीरे धीरे घुमाते हुए आप अपनी नसों को थोड़ा खींचते हुए यह अर्ध चक्र बनाएं, और साइड में आते हुए अपने कानों को कंधे से छुआने का प्रयास करें। ये व्यायाम हल्के दर्द की अवस्था में भी किए जा सकते हैं, और यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप दर्द से राहत भी पा सकते हैं। इसके बाद अगले व्यायाम में आपको अपने कंधे गोलाकार घुमाने हैं, पहले क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार। ध्यान रखें आपकी गति
धीमे से मध्यम ही रहेगी, स्लो टू मॉडरेट स्पीड ओनली। आपकी बाजुएं बिना कोहने मुड़े एकदम सीधी रहनी चाहिए। आपका बाकी शरीर स्थिर रहेगा, केवल आपके कंधे गोलाकार घूमेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम देखते हैं अगला व्यायाम। हर व्यायाम के बीच में आप थोड़ा सा लंबी गहरी सांस का गैप भी देंगे। अब अपने हाथों को मोड़ते हुए अपनी हथेलियों को कंधों पर इस प्रकार रख लें, आपकी बाजू कंधे की सीध में। अब इनको सीधा रखते हुए और कंधे ऊंचाई तक ही रखते हुए सामने की ओर ले आए और अपनी कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। फिर उसी प्रकार वापस पीछे की ओर ले जाएं और कंधे की सीध तक रखें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आपको करना है और फील करें जो आपकी बाजुओं की नसें, आपके कंधे का जोड़, कंधे की नसें और आपके गर्दन की नसें खिंचाव महसूस कर रही हैं। इससे वो और लचीली बनती हैं और सुचारू ढंग से कार्य करती हैं। पाँच से दस बार या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्यायाम को करें और उसके बाद लंबे गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा विश्राम करें। ये सभी व्यायाम आप अपने दर्द से राहत पाने के लिए और यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो सर्वाइकल की समस्या से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से इन्हें दोहराते हैं। पहले कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। ये सभी जो व्यायाम हमने अभी देखे हैं ये आपके गर्दन की नसों के लिए, आपके स्पाइनल रीढ़ की नसों के लिए, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदारी आसन व्यायाम हैं। ये आपकी नसों को लचीला बनाते हैं, जैसा कि एक मशीन होती है। हमारा शरीर भी एक मशीन की ही भांति होता है। यदि हम इसके अंगों को, पुर्जों को ल्यूब्रिकेटेड नहीं रखेंगे, फंक्शनल नहीं रखेंगे, तो ये जाम होते जाते हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यदि आप इस तरीके से अपनी नसों को प्रॉपर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन देते रहेंगे तो वो फ्लेक्सिबल बनी रहेंगी, लचीली बनी रहेंगी और सुचारू ढंग से अपना काम करती रहेंगी। सर्वाइकल के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यायाम है जो आप देख रहे हैं। जब आप कोहनियाँ सामने की ओर लाते हैं तो आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और जब आप कोहनियाँ पीछे की ओर ले जा रहे हैं तब आप अपने थोरैसिक केज को एक्सपैंड कर रहे हैं। दोहराने के बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा विश्राम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला सूक्ष्म व्यायाम जो आपके मानसिक बुद्धि के लिए भी बहुत ही लाभकारी व्यायाम है। उसी प्रकार सीधे खड़े रहें, अपने हाथों को साइड में रखते हुए अब अपने हाथों को, अपने सर को पीछे की ओर झुकाते हुए आसमान में किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब अपने सर के मध्य में, जिसे क्राउन ऑफ हेड, भ्रमरांध्र, सेंटर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहा जाता है,
ऐसा करते समय आप महसूस करेंगे कि आपकी गर्दन के पीछे की नसें सिकुड़ रही हैं और सामने की ओर की नसें खिंच रही हैं। इस प्रकार हम उन्हें एलोंगेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जिससे कि वो रेजुविनेट हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं और भी सुदृढ़ हो जाती हैं। कुछ समय रुकने के बाद वापस आएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लेते हुए विश्राम करेंगे। यदि आपको चक्कर आना जैसा महसूस हो रहा है या आँखों में थोड़ा दर्द फील कर रहे हैं तो आप पामिंग कर सकते हैं। अपनी हथेलियों को इस प्रकार रब करेंगे और अपने आँखों के ऊपर एक कप बनाते हुए रखेंगे। अपनी पलकों को खोलना और बंद करना है ताकि जो गर्माहट आपकी हथेली की है वो आँखों में जा सके, जिससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। लंबी गहरी श्वास के गैप के बाद एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। यह व्यायाम आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए और आपके नेक मसल्स के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही लाभकारी व्यायाम है। साथ ही यह व्यायाम आपके थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है और उसे और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए भी हेल्प करता है। आपका बाकी शरीर स्थिर रहेगा। जितनी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप रुक सकते हैं बिना पलक झपकाए, इस अवस्था में रुकना है और फिर वापस आकर आँखों को बंद करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करना है। यदि आपको भारीपन लगता है आँखों में तो आप हाथों को रब करते हुए अपनी हथेलियों को गर्म करके अपने आँखों के ऊपर कप बनाते हुए रखें और महसूस करें जो आपकी हथेलियों की गर्माहट आपकी आँखों में जा रही है, बहुत ही सुकून देने वाली है। आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम बढ़ते हैं योगासन की ओर। सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर करने वाला अर्धचंद्रासन, जिसे हाफ मून पोज भी कहा जाता है। यदि आपको हर्निया, दिल की समस्या या बहुत तेज सर्वाइकल दर्द हो रहा हो तो इस आसन को ना करें। आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, फिर अपने हाथों को अपने कमर के निचले भाग पर इस प्रकार रखें, उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा आगे की ओर, फिर जितना हो सके कमर के भाग से पीछे की ओर झुक जाएं और स्थिरता के लिए आप ऊपर की ओर किसी एक बिंदु पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं। सामान्य तरीके से सांस लेते हुए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी देर इस अवस्था में बने रह सकते हैं रुकें, फिर धीरे से वापस सीधे खड़े हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा विश्राम करें। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। प्लीज शुरू कीजिए। यह अर्धचंद्रासन आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी रीढ़ के लचीलेपन के लिए, आपके गर्दन की नसों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। जब आप ऊपर कहीं ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे आपके सेंसरी ऑर्गन्स और आपकी गर्दन की नसें स्ट्रेच और कंप्रेस होती हैं और आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती हैं। यह था अर्ध चंद्रासन। अब हम करेंगे बैठकर करने वाला उष्ट्रासन, जिसे
कैमल पोज भी कहा जाता है। यदि आपको कमर में दर्द, घुटने में दर्द या बेली पाइल्स की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। पूरे आसन के दौरान सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाएं, फिर अपने घुटनों पर खड़े होते हुए अपने पैरों के बीच में कंधे समान दूरी बना लें। अब धीरे से पीछे की ओर मुड़ते हुए अपने बाएं हाथ से अपनी बाएं एड़ी को पकड़ लें और अपने दाएं हाथ को सामने की ओर सीधा करके हथेली ज़मीन की ओर सामने की ओर देखते हुए ध्यान केंद्रित करें और 10 से 30 सेकेंड या जितनी देर आराम से इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकें। फिर धीरे से वापस घुटनों पर खड़े होते हुए एक से दो लंबी सांस का विश्राम लें और दाएं हाथ से इस प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे से पीछे की ओर मुड़ते हुए दाएं हाथ से अपने दाएं एड़ी को पकड़ लें, बाएं हाथ को सामने की ओर सीधा करके खींचकर उंगलियां मिली हुई रखते हुए सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और 10 से 30 सेकेंड या जितनी देर आपकी बॉडी अलाउ करती है इस अवस्था में रुकें। फिर धीरे से वापस घुटने के बल खड़े होने वाली अवस्था में वापस आ जाएं, लंबी गहरी सांस का विश्राम लें और दोनों हाथों से एक एक बार करने के बाद अब दोनों हाथों से एक साथ इस आसन को दोहराएंगे। पहले बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए बाएं एड़ी को पकड़ें, फिर दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ें, जितना हो सके अपनी कमर को ऊपर की ओर आर्च करें और गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखें और सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इस अवस्था में 5 से 10 सेकेंड या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रुकें। कुछ समय रुकने के बाद धीरे से वापस आते हुए वज्रासन में बैठकर लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा विश्राम करें। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं इस संपूर्ण उष्ट्रासन को। शुरू कीजिए। उष्ट्रासन करते समय यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने बेंडिंग और स्ट्रेचिंग पर देते हैं, आपके जो कमर का भाग है वह कंप्रेशन में जा रहा है, आपकी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, बैक साइड ऑफ योर थाई मसल्स कंप्रेस हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं और आपके शरीर का अगला भाग, फ्रंट पार्ट, आपका थोरासिक केज, आपका एब्डोमिनल रीजन और आपके थाई मसल्स सभी स्ट्रेच हो रही हैं। ये स्ट्रेच और कंप्रेशन आपके मस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। यदि आप इस आसन का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपकी मसल्स टोन्ड रहती हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अभी हम इस आसन को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लिए देख रहे हैं। तो आपकी जो गर्दन की और गले की, गर्दन जो पिछला भाग होता है, गला जो आगे का भाग होता है, दोनों की नसें इलोंगेट हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, खिंच रही हैं, सिकुड़ रही हैं। इससे वो इलोंगेट होती हैं, बढ़ती हैं, फ्लेक्सिबल बनी रहती हैं, जिससे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। जितनी देर आराम से आप इस अवस्था में बने रह सकते हैं रुकें, फील करें स्ट्रेच और कंप्रेशन को जो आपके बॉडी पर डेवलप हो रहा है। फिर वापस आते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और विश्राम करें। इसके बाद हम करते हैं पीठ के बल लेटकर करने वाला मत्स्य आसन, जिसे फिश पोज भी कहा जाता है। यदि आपको स्लिप डिस्क, हर्निया या घुटने में दर्द की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। अपनी पीठ के बल लेटते हुए अपने पैरों को सीधा रखें,
अब दोनों पैरों को खींचकर एक साथ जमीन पर ही रखें और अपने चेस्ट एरिया को ऊपर की ओर उठाएं और अपने सर को जमीन पर लगा दें। देखिए किस प्रकार करना है। और अपने हाथों को सपोर्ट के लिए आप अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 30 सेकेंड आप इस अवस्था में रुके। सामान्य तरीके से सांस लेते रहें और थोड़े समय रुकने के बाद धीरे से वापस लेट जाएं, सर को सीधा करते हुए लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। एक बार फिर से इस आसन को दोहराते हैं। यह आसन आपके नेक मसल्स के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसके नियमित अभ्यास से आप सर्वाइकल के पेन से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। अब हम देखेंगे सभी योगासनों के बाद उज्जयी प्राणायाम, जिसे ओशन ब्रेथ भी कहा जाता है। सबसे पहले आरामदायक मुद्रा में, चाहे वज्रासन चाहे सुखासन में बैठ जाए। यदि आपको गले में दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन हो तो इस प्राणायाम को ना करें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए अब अपने नाक से धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने गले की नसों को जितना हो सके सिकोड़ेंगे। अपनी आंखें बंद रखते हुए फिर धीरे से अपनी नाक से ही श्वास छोड़ेंगे। यह उज्जय प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। आप 3 से 5 बार इस प्राणायाम को दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से दिखाइए। नाक से धीरे से श्वास लेते हुए गले की नसों को जितना हो सकेगा सिकोड़ेंगे और फिर धीरे से नाक से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह प्राणायाम आपके नेक मसल्स के लिए बहुत ही सूदिंग, रिफ्रेशिंग और रेजुविनेटिंग होता है। तो आपने देखा और करते हुए योग की शक्ति को स्वयं महसूस भी किया। योग आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अच्छे बदलाव ला सकता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और इस थेरेपी सेशन को एक प्रार्थना के साथ यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति है।